खूब ज चौंकावनारा समाचार कही शकाय के गुजरात में दररोज नौ बाळको गुम थई रह्या छे। विधानसभा में राज्य सरकार नो खुलासो, त्रण वर्ष में गुजरात में 10,000 बाळको गुम थया छे। गुम थयेला 10,000 बाळको माथी 9,000 बाळको परत पण मळी आव्या छे, त्यारे राज्य में हजू 1,007 जेटला बाळको गुम छे। सौथी वधु 629 बाळको सूरत थी गुम थया होवानुं सामे आव्युं छे। अमदावादमांथी 338, गांधीनगरमांथी 142 बाळको गुम थया छे। अन्य जिल्लाओमांथी पण 100 करता पण वधारे बाळको गुम थया छे। आ मुद्दे अमारा संवाददाता अनिता पटणी जोड़ाई गया छे। अनिता जणावशो के खूब ज चौंकावनारा समाचार कही शकाय के त्रण वर्ष में गुजरात में 10,000 बाळको गुम थया छे अने अमुक बाळको तो हजी मळी पण नथी आव्या। जी हिरल, जे प्रकारे आज चौंकावनारा आंकड़ा अत्यारे सामे आव्या छे के दररोज नौ बाळको गुम थवानी घटना गुजरात में बनी रही छे अने जे प्रकारे छेल्ला त्रण वर्ष में 10,000 थी वधु बाळको गुम थवानो आंकड़ो छे, जेमां 9,000 बाळको तो मळी गया छे परंतु 1,000 बाळक हजु पण मिसिंग जोवा मळी रह्या छे। बाळको क्यां छे ते एक मोटो सवाल बनी गयो छे। खास तो अमदावादनी वात करीए तो अमदावादमां ताजेतरमां ज एक 1.5 वर्षनी बाळकी जे अमराईवाड़ी विस्तारमांथी गुम थई हती तेनो हजु सुधी कोई ज पत्तो लाग्यो नथी। 15 दिवसथी ऊपरनो समय पसार थई चूक्यो छे। बाळकी क्यां गई छे, कोई तेने उठावी गयु छे के तेनुं अपहरण करवामां आव्युं छे, एक मोटो सवाल छे। पोलीस हजु सुधी आ कड़ियो शोधी नथी सकी। अगाउ भी जे गोमतीपुरमां 1.5 वर्षनी जे बाळकी जे गुम थई हती तेनी तपासमां मानव तस्करीनो समग्र रेकेट सामे आव्यो हतो के बाळकोने जे मानव तस्करी करती जे गेंग जे छे ते उठावी जती होय छे। फूटपाथ पर रहेता बाळकोने उठाव्या बाद जुदा राज्योमां लई जईने तेने वेची नाखता होय छे। आ रेकेटमां 6 आरोपीओ पकड़ाई चूक्या छे अने एक डॉक्टरनी पण संडोवणी सामे आवी रही हती। त्यारे अमराईवाड़ीमां वधु एक जे बाळक गुम थयो छे तेनो हजु पत्तो नथी। तो छेल्ला घणा समयथी जे बाळकोने गुम થવાના જે મામલા છે જેમાં અનેક ઘટનાઓ સામે આવી ચૂકી છે, 10 વર્ષ ઉપર જે સમય પસાર થઈ ગયો છે તે વિશ્વા અને જે જલ્દી નામની જે બે યુવતીઓ જે છે તેનો પણ હજુ પતો લાગ્યો નથી। તો અનેક બાળકો જે છે તે હજુ લાપતા છે। છેલ્લા 3 વર્ષના આંકડામાં હજુ સુધી 1,000 બાળકો નથી મળી આવ્યા, પરંતુ અગાઉ બી અનેક બાળકો જે મિસિંગ થયા છે તેનો હજુ સુધી પત્તો લાગ્યો નથી। ખૂબ જ ચોંકાવનારી આ ઘટના છે કે દરરોજ 9 બાળકો ગુમ થાય છે, તો ક્યાંક ને ક્યાંક અત્યારે હાલ બાળકોના ગુમ થવા પાછળ માતા પિતા પણ જવાબદાર છે, બેદરકારીના કારણે આ ઘટના બનતી હોય છે। પરંતુ જે પ્રકારે પોલીસ મોટા દાવાઓ કરી રહી છે, પરંતુ હજુ સુધી બાળકોને શોધવા પોલીસ પણ નિષ્ફળ જોવા મળી રહી છે। જી અનિતા, તમામ માહિતી બદલ આપનો આભાર।